भारतीय कोच गैरी कस्टन और हाल में संन्यास लेने वाले तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें टूर्नामेंट के लिए रॉयल चैलेंजर्स का क्रमश बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच बनाया गया है। लीग के दौरान कस्टन और नेहरा टीम के मैथ की भूमिका भी निभाएंगे। कस्टन ने पिछले हफ्ते अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आईपीएल टीम के साथ यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2015 में वह दिल्ली डेयरडेविल्स को कोचिंग दे चुके हैं। आरसीबी ने न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर डेनियल विटोरी को मुख्य कोच के रूप में बरकरार रखा है, जो 2014 सेकंड टीम के साथ हैं। आईपीएल नीलमी 27 और 28 जनवरी को होनी है और ऐसे में ट्रेंट वुडहिल और एंड्रयू मैकडोनाल्ड की भूमिकाओं में बदलाव किया गया है। वुडहिल को बल्लेबाजी प्रतिभा विकास विश्लेषण और क्षेत्र रक्षण कोच बनाया गया है। इसके अलावा वह ऑफ सत्र के दौरान फ्रेंचाइजी के लिए प्रतिभा तलाशने वाली टीम के प्रमुख होंगे। पहले गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा चुके मैकडोनाल्ड अब गेंदबाजी प्रतिभा विकास और विश्लेषण प्रमुख होंगे। For latest news of IPL, please subscribe our channel. Thanks.